वेलकम बैक टू नर्स ओफीलिया, दिस इज़ आकांक्षा गुलाटी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से अभी कंट्री में बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखा है। तो टॉपिक है हमारे वीडियो का ब्लैक फंगस। तो जो भी ब्लैक फंगस से रिलेटेड आपके मन के अंदर डाउट हैं वो सब कुछ इस वीडियो के वजह से आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना है और फिर शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो क्या हैं, ब्लैक फंगस क्या है, व्हाट इज़ ब्लैक फंगस, वेयर इट इज़ प्रेजेंट, ये कहाँ पे होती है, व्हाट डिजीज़ इट कोज, क्या क्या डिजीज कोज करती है ये, व्हाट आर दी साइन एंड सिम्टम्स, क्या साइन एंड सिम्टम्स कोज कर सकती है ये वायरस, हु ऑल आर एट रिस्क, कि कौन वो लोग हैं जो रिस्क पे हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के, हाउ टू डायग्नोज द फंगस, अगर ये किसी को हो गया है तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है, कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, अगर हो जाता है तो हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, और व्हाई टू वरी, मतलब इतना पैनिक होने की, इतना वरी होने की क्यों ज़रूरत है ब्लैक फंगस के लिए, और व्हाट ऑल आर दी प्रिवेंशंस, और इससे बचने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने हैं वो क्या होंगे। अगर इनमें से कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं ब्लैक फंगस से रिलेटेड तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या है, व्हाट इज़ ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस है क्या और क्या ये नई फंगस है। नहीं, ये पहले भी प्रेजेंट थी। ये है म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि जाइगोमाइकोसिस की एक स्पीशीज है। ठीक है, ये पहले भी प्रेजेंट थी हमारे एनवायरनमेंट में, प्रेजेंट है म्यूकोरमाइकोसिस, लेकिन ये अभी ब्लैक फंगस इतना, मतलब वो क्यों हो रहा है, इसके केसेस ऐसे क्यों आ रहे हैं, लोगों का विजन लॉस हो रहा है, मतलब बहुत पैनिक है इसकी वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से इम्यून सिस्टम जो है लोगों का वो वीक हो रखा है, इसीलिए ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो हम बात करेंगे उसके बारे में भी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस है जो कि जाइगोमाइकोसिस की एक स्पीशीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंगस क्या है, मतलब फंगस क्या करती है, फंगस क्या चीज़ है, फंगस क्या करती है। बेसिकली फंगस जो है वो फीड करती है हमारी जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, मतलब जो डेड बॉडीज़ वगैरह हैं जैसे, उन पे जो फीड करती है वो होती है हमारी फंगस। ठीक है, तो जो डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करेगी वो चीज़ है, और म्यूकोरमाइकोसिस की, इसका नाम है जाइगोमाइकोसिस की ये स्पीशीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं वेयर इट इज़ प्रेजेंट, कि कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा ब्लैक फंगस, एनवायरनमेंट में कहाँ हो सकता है। देखो, जो फंगस है ना ये, वो पहले भी एनवायरनमेंट में थी, और ऐसी फंगस हम रोज़ ट्रिलियंस में इनहेल करते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन कोज नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या हैं, रिस्क पे हैं, जिनको ये अभी इन्फेक्शन कोज कर रही है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है, बेसिकली ये सोइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है, और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी ये हो सकती है, वैसे भी प्रेजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है व्हाट डिजीज़ इट कोज, ये क्या डिजीज़ कोज कर रही है, ये डिजीज़ जो कोज कर रही है वो सिस्टमेटिक है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम में हो रही है, ये स्किन की भी कर रही है, ये ब्लड की भी कर रही है, ये ब्रेन सेरिब्रल में भी डिजीज़ कोज कर रही है, लंग्स में कर रही है, ये हमारे जीआई सिस्टम में डिजीज़ कोज कर रही है, और साइनसिस में कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो फंगस है ना वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है किसी मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में, कि ये ह्यूमिडिटी में ज़्यादा होती है, तो अगर हम ह्यूमिडिटी रिमूव कर दें, ड्राइनेस हो, तो वहाँ फंगस नहीं होगी, लेकिन जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स एक ऐसा फोम है जो इनएक्टिवेटेड फोम है। ठीक है, तो वो इनएक्टिवेटेड फोम अगर उसको हम ज़्यादा हीट, ज़्यादा प्रेशर, पीएच वगैरह चेंज कर ले, कैसे भी कर ले, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जब भी इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जैसे सोइल वगैरह में मैंने बोला कि ये प्रेजेंट है सोइल में है, एनवायरनमेंट में है, तो हम इनहेलेशन से या कुछ फूड खा रहे हैं तो, या हमें कोई वूंड वगैरह हो गया, मतलब चोट वगैरह लग गई, तो उस वूंड में सोइल चली गई, उसकी वजह से इन्फेक्शन हमारे अंदर चला गया, हमारे अंदर क्या गया, फंगस नहीं गया, हमारे अंदर स्पोर्स जा रहे हैं, स्पोर्स चले गए, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में थे, वो तब इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकते, लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन कोज करते हैं। कैसे, वो
फंगस का काम है कि वो मरी हुई चीज़ें, डिकेइंग डेड चीज़ों को ईट करके अपना न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना, स्पोर फॉर्म के बाद वो एक्टिवेट होता है ना, तो वो क्या करती है, हमारे जो अंदर के लिविंग पार्ट्स हैं, जो लिविंग सिस्टम है, उसको डेड समझ के वो अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है अंदर। तो ऐसे ये इन्फेक्शन कोज कर रही है। तो क्या डिजीज़ कोज कर रही है ये? एक तो मैंने बताया कि सेरिब्रल में कर रही है, ब्रेन में पहुंच रही है, ब्लड में पहुंच रही है, लंग्स में पहुंच रही है, जीआई सिस्टम में पहुंच रही है, साइनसिस में पहुंच रही है। फिर उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स भी हमारे इसी पे डिपेंड करते हैं कि वो कौन से पार्ट में हो रही है, ठीक है। तो अगर वो हो रही है हमारे साइनसिस में, बेसिकली इसके साथ फटीग, फीवर, वीकनेस जैसा तो हर एक में होगा ही। उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन से सिस्टम को ये इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। अगर ये स्किन के अंदर हो रही है तो स्किन के अंदर क्या कर रही है, ये ब्लैक पैचेस, मतलब काले काले से निशान या ब्लैकनिंग हो जाना उस स्किन की, वो चीज़ को उस कर रही है, ठीक है। अगर ये हो रही है हमारे सेरिब्रल में, मतलब ब्रेन तक पहुँच रही है, तो क्या हो रहा है, आधा जो फेस है ना उसमें स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और जो हमारा माउथ रीजन है उसका अपर पार्ट है, अपर पैलेट जो रीजन है, उसमें ऐसे ब्लैक स्पॉट्स से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है सेरिब्रल में। फिर हम बात करते हैं अगर ये पल्मोनरी में कोस करिए, मतलब अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है इसकी वजह से, लंग्स को अफेक्ट कर रही है अगर, तो ये क्या करेगी, लंग्स में हमारी कफिंग इंक्रीज हो सकती है, हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है इसकी वजह से। और क्या होता है, जो हम कफ करेंगे तो उसमें स्पूटम निकलेगा, तो वो ब्लड वाला हो सकता है, ठीक है। अगर ये साइनसिस में कर रही है, मैंने एक पहले हेडेक वाली वीडियो में भी साइनसिस के बारे में बताया था, हमारे इस रीजन में 4 साइनसिस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है साइनसाइटिस, ठीक है। तो अगर ये उसका इन्फेक्शन कोस कर रही है, तो हमारे नोज से डिस्चार्ज हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज, वो उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, ये साइन एंड सिम्टम्स है इसके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर ये जीआई सिस्टम में कर रही है, मतलब पेट में, इंटेस्टाइन में, इस चीज़ में कर रही है, तो क्या होगा, जो हम फीकल मैटर पास आउट करते हैं उसके अंदर ब्लड हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जीआई सिस्टम के अंदर। फिर एक इन्फेक्शन है जो कि ब्लड में है, ठीक है। अगर ये ब्लड में इन्फेक्शन कोज कर रही है तो पूरे बॉडी में सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट इसके आएंगे, वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कोज करेगी, ठीक है। और इन सब साइन एंड सिम्टम्स के साथ जुड़े हुए हैं फटीग, वीकनेस और फीवर, ओके। फिर उसके बाद है बात हमारी हु ऑल आर एट रिस्क, कि रिस्क पे कौन से लोग हैं इससे। जैसे कि अभी बात चल रही है कि ये कोविड वालों को ज़्यादा हो रहा है, जिनको एक बार कोविड हो गया उनको ब्लैक फंगस होगा ही, ऐसा नहीं है कि उनको होगा ही, लेकिन कोविड वाले, जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है और अभी 6 वीक्स तक का टाइम नहीं हुआ है, वो रिस्क पर हैं इसके। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे कहते हुए भी सुना होगा, जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, कि हमें उसके बाद वीकनेस फील होता है, फटीग फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था उसने क्या किया है, बॉडी को वीक कर दिया है, बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर दिया है। तो वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोविड वाले पेशेंट्स को रिस्क है इस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का, ठीक है। उसके बाद और कौन रिस्क पे है, जिनको डायबिटीज़ है, जो जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, वो भी रिस्क पे हैं इसके। जो एज्ड हैं, मतलब जो ओल्डर एडल्ट्स हैं हमारे, वो भी इसके रिस्क पे हैं। जिनको कैंसर है, उनकी थेरेपी चल रही है, वो रिस्क पे हैं। कोविड वालों में से भी जो ज़्यादा समय तक आईसीयू में रहकर आए हैं वो रिस्क में हैं। जिनको बहुत ज़्यादा समय तक ऑक्सीजनेशन चढ़ी है वो रिस्क पे है। क्यों? क्योंकि जो फंगस होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट होता है ह्यूमिड एरिया में, ह्यूमिड मतलब कि नमी वाले एरिया में, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजनेशन देते हैं तो क्या होता है, उसमें हम ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजनेशन जिनको बहुत ज़्यादा टाइम तक हुई है, इसीलिए वो भी रिस्क पे हैं इसके। जिनको HIV एड्स है वो रिस्क पे हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो रिस्क पे हैं। उसके बाद कोविड के टाइम पे जिनको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं, स्टेरॉइड्स दी गई हैं, वो रिस्क पे हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो लोग रिस्क पे हैं किसके, ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से। फिर उसके बाद आता है हाउ टू डायग्नोज द फंगस, मतलब हम कैसे पता चला
लगा सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। जैसे कि मैंने अभी आपको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया, तो उस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि अगर स्किन पे ब्लैक पैचेस, ब्लैक स्पॉट वगैरह हो रहा है, विजन में डिफ़िकल्टी हो रही है, जीआई ब्लीडिंग हो रही है, नोज़ से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें ब्लड है, स्पूटम के अंदर हमारी ब्लड आ रहा है, तो इन चीज़ों से अगर हाफ फेस पे स्वेलिंग हो रही है, जो माउथ का इनर पार्ट है, अपर पार्ट है, वहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये चीज़ें इंस्पेक्ट करके आप अपने आप को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है फॉर टेस्टिंग। वो कैसे पता लगाएंगे, वो कैसे डायग्नोज करेंगे डॉक्टर्स, वो सीटी स्कैन कर सकते हैं और बायोप्सी कर सकते हैं। अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो ब्लड कल्चर वगैरह से वो पता लगाएंगे कि आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है या नहीं है। उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ दी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे कि जो हमारा कोविड इन्फेक्शन था वो सार्स को वायरस की वजह सॉरी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, तो हम उसके लिए क्या दे रहे थे, पर्टिकुलर वो ड्रग्स दे रहे थे, ठीक है, वायरस के लिए, हम वायरल के लिए ड्रग दे रहे थे। अभी क्या है, ये फंगस की वजह से हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फंगल की ड्रग्स देंगे, जो कि क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स के अंदर जो आती हैं वो इसके लिए हम ओरल ड्रग्स नहीं दे सकते, इसके लिए हमें आईवी ड्रग्स देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद बात है कि वाई टू वरी, मतलब इसके बारे में हमें वरी करने की ज़रूरत क्यों है, टेंशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों, क्योंकि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका हम 14 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि जब तक हम दवाई देंगे उसके बाद वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे, फिर हम दवाई देना बंद कर जाएंगे, वो रीअकर हो जाएंगे, ठीक है। और जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वायरस। इवन अगर हम कोरोना वायरस की भी बात करें, कोविड इन्फेक्शन की भी बात करें, तो उसका जो फर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट है वो कितना है, 1.52% है। लेकिन जो ब्लैक फंगस का है वो 54% है हमारा, ठीक है। मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा है, मोर्टैलिटी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है इसके केस में, और फेटल है ये ज़्यादा, इसका मतलब है, और ये जल्दी ट्रीट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की इसके लिए ज़रूरत है, रीअकर हो जाता है ये, इसलिए हमें इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत है। और क्यों वरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये एक पर्टिकुलर पार्ट में हो गया, ठीक है, और अगर हम लेट हो गए उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर टिश्यू का डैमेज हो सकता है, और वो अगर हमारी आईवी ट्रीटमेंट देने से, आईवी मतलब कि इंट्रा जो वेनस हम ड्रग्स देते हैं उसकी मदद से भी, एंटी फंगल अगर हमने ड्रग्स दे दी उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है अगर, तो हमें वो ऑर्गन रिमूव भी करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी आईज के बारे में बात आ रही है। उसके बाद है व्हाट ऑल आर दी प्रिवेंशंस, कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करें, हम कैसे बच सकते हैं इससे। तो बेसिकली जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग रिस्क पे हैं, ठीक है, जो रिस्क पे हैं उनको क्या करना है, उनको प्रिवेंशन करनी है अपनी पर्टिकुलर फैक्टर्स से जो इसको कोज करते हैं, जैसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट में नहीं रहना, वाटर वगैरह इकट्ठा नहीं करना अपने पास, ठीक है, और प्रॉपर हमें डाइट, एक्सरसाइज, योगा, प्रॉपर कंप्लीट अच्छा लाइफस्टाइल हमें फॉलो करना है, ठीक है, उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपना ध्यान रखना है, और जो भी इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट्स हैं वो हमें लेनी है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आमंड्स हो गए हमारे, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, स्पिनच हो गया, ग्रीन टी होगी, ये चीज़ें हमें लेनी है। और हो सके तो कूलर्स का यूज़ हमें नहीं करना, जो जिनको अभी रिसेंट कोविड इन्फेक्शन ठीक हुआ है वो प्लीज़ कूलर का यूज़ नहीं करें, क्योंकि कूलर के अंदर क्या होता है, बेसिकली वाटर जो है वो ही उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है, जो हमारे पास आती है ठंडी हवा वाटर के उससे होती है, तो वाटर अगर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिफिकेशन होगी, वहाँ फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि उन लोगों की पहले से ही इम्यूनिटी कम है, और अगर ह्यूमिडिफिकेशन हो रही है और फंगस जो है हमारी वहाँ पर प्रेजेंट है, तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो फैन का यूज़ कर सकते हैं हम, एयर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, एसी का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद अगर हो सके तो हम अपने घर में
वो लगा सकते हैं, एयर प्यूरीफायर्स लगा सकते हैं इससे प्रिवेंशन के लिए। बेसिकली तो हमें जो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है वो खाना खाना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, ताकि हम अपने आप को प्रिवेंट कर सके इस डेडली ब्लैक फंगस से। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Instagram पे भी मुझे फॉलो करें विद द सेम नेम नर्सोफीलिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।